नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं योग भारती हिंदी इस पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम जो रचना देखने जा रहे हैं यह है विशेष अध्ययन हेतु रखी गई केवल एक ही रचना यहाँ अध्ययनार्थ रखी गई है, जिसका नाम है कुनुक्रिया। विद्यार्थी मित्रों, हमें एक बात याद रखनी है, जो हमारे किताब जो 12वीं कक्षा का किताब है उस किताब के अंतर्गत अलग अलग विधाओं को लेकर अभी तक हम देख चुके हैं, जैसे कि कोई निबंध है, कोई कविता है, कोई कहानी है। लेकिन हमारे ये जो कृति पत्रिका है उस कृति पत्रिका के अनुसार अगर थोड़ा सा अंकों के दृष्टि से देखेंगे तो विशेष अध्ययन हेतु रखी गई रचना जो है ये बहुत ही मौलिक है। अब देखिए कि इस साल विशेष अध्ययन हेतु रखी गई एक ही रचना धर्मी और वार्ती की कुनुक्रिया ये रखी गई है, और आपके कृति पत्रिका के अंतर्गत इस विभाग के ऊपर 10 अंक के लिए प्रश्न आते हैं, कृतियां आती हैं। इसीलिए ये बहुत ही मौलिक ऐसी ये रचना है, और इस रचना को लेकर बहुत ही सूक्ष्मता से इसका हमें अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि अंकों के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य रचनाओं के अनुसार या रचना की तरफ जिस तरह से देखते थे उससे पहली दृष्टि इस रचना की तरफ हमें रचना की तरफ होनी चाहिए, और उस दृष्टि से इस रचना को हमें अवगत कराना है, क्योंकि ये 10 साल के लिए है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस विशेष अध्ययन हेतु रखी गई एक रचना ने एक कविता जिसका नाम है कुनुक्रिया, जिस रचना के रचयिता हैं कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। अभी देखिए कि प्रस्तुत इस काव्य के कवि धर्मवीर भारती का अल्प सा परिचय, व्यक्तिगत परिचय देखेंगे, उसके बाद साहित्य जगत के बीच इनका क्या परिचय है, पहचान क्या है, और उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को किस प्रकार का योगदान दिया इसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इस रचना के हर एक हिस्से को हमें सूक्ष्मता से देखना है, क्योंकि इस रचना के ऊपर किसी भी हिस्से पर प्रश्न या कृतियां आपको परीक्षा में आ सकती है। इसीलिए विशेष रूप से हर एक हिस्से को लेकर सूक्ष्मता से हमें देखना है। उसके बाद धर्मवीर भारती के कृतियों के बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे, और इसके बाद इस रचना के रचना जो है ये जो काव्य है इसके इसका भी परिचय देखेंगे, और उसके बाद रचना की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का व्यक्तिगत अगर परिचय देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ, 1926 को हुआ। धर्मवीर भारती जी ने जो शिक्षा प्राप्त की है इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। वे एमए हिंदी उन्होंने एमए हिंदी हो चुके हैं, और एमए के बाद उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में, वशिष्ठ साहित्य नामक शोध प्रबंध लिखा, और इस शोध प्रबंध के बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती डॉक्टर हुए। ये उपाधि उनको
पीएचडी की उपाधि उनको प्राप्त हुई, इसलिए उनको डॉक्टर ऐसा कहा जाता है। इसके बाद ये जो इनका शोध प्रबंध है, ये हिंदी साहित्य जगत के बीच अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यहाँ लेखक या कवि का यहाँ तक ये परिचय सीमित नहीं है, व्यक्तिगत सीमित नहीं है। तो उस समय तक धर्मेंद्र भारती अध्यापन का भी उन्होंने कार्य किया है और उनका झुकाव बाद में पत्रकारिता की तरफ झुका और उन्होंने मुंबई से प्रकाशित होने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन के रूप में और धर्मयुग का संपादन के रूप में उन्होंने कार्य कई समय तक किया। और धर्मवीर भारती जी की मृत्यु जो हुई 4 सितंबर 1997 को हुई। तो यह है धर्मवीर भारती का अल्प सा उनका व्यक्तिगत परिचय रहा है। अब हिंदी साहित्य जगत के बीच धर्मवीर भारती का क्या परिचय रहा है, यह आधुनिक काल के एक नए कविता के कवि के रूप में इनकी ख्याति है। आधुनिक काल के प्रयोगवादी के रूप में ये जो है उच्च स्थान रखते हैं, मूर्धन्य स्थान रखते हैं, इसलिए आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती का मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में परिचय होता है। तो प्रयोगवादी कवि हो जाने के कारण इनका परिचय हिंदी साहित्य जगत के बीच रहा है। वे एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में भी प्रसिद्ध है, एक श्रेष्ठ समीक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध है तथा एक निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध है और एक नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो धर्मवीर भारती जी का जो योगदान रहा है साहित्य जगत में, एक उच्च कोटि के कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और समीक्षक के रूप में एक इनका परिचय रहा है, निबंधकार के रूप में परिचय रहा है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है धर्मवीर भारती के संदर्भ में, हिंदी साहित्य जगत के बीच अनेक प्रकार के लेखक होकर चले गए, श्रेष्ठ लेखक होकर चले गए, लेकिन धर्मवीर भारती जी अन्य साहित्यकारों के बीच एक असाधारण ऐसा व्यक्तित्व था। ये क्यों? क्योंकि साहित्य जगत के बीच अनेक विधाओं के माध्यम से काम यानी क्या सृजन करने के बाद किसी एक विधा में ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले अनेक प्रकार के लेखक हैं, अलग अलग विधाओं के बीच यानी किसी विधा में ये उच्च स्थान पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं एकाध दूसरी रचनाओं का सृजन करने के बाद उच्च का कोटि यानी ऊंचे स्थान पर यानी पहुंच चुके हैं साहित्य जगत के बीच, लेकिन एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है कि इन्होंने सभी विधाओं में जो कार्य किया है, जैसे कि काव्य विभाग के बीच काम किया, सृजन किया है, नाटक के क्षेत्र में सृजन किया है, कथा के कहानी के रूप में सृजन किया है, उपन्यास के रूप में उन्होंने सृजन किया है, एक निबंध के रूप में भी सृजन किया है और उन्होंने एक समीक्षा के क्षेत्र में भी सृजन किया है। और जहां जहां उन्होंने अपना कार्य किया है वहां वहां डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ऊंचे स्थान पर गए हैं और उस रचना को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है, उन रचनाओं को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। इसीलिए सर्वतोमुखी ऐसा व्यक्ति प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हिंदी साहित्य जगत के बीच डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का माना जाता है।
एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में इनकी गिनती होती है कि सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नए अप्रत्याशित मोड़ देने वाले ऐसे रचनाकार के रूप में इनकी ख्याति है। तो ये हुआ इनके साहित्य के प्रति का योगदान और उनके हर एक विधा के अंतर्गत की विशेष रूप से ख्याति। किसी एक विधा में उन्होंने अपने ख्याति प्राप्त नहीं की है, तो हर एक विधा में ख्याति प्राप्त की है। अब हम देखेंगे दर्शक मित्रों कि ऐसे प्रतिभा संपन्न एक जैसे के अष्ट पहलू ऐसा व्यक्तित्व साहित्य जगत के अंतर्गत का प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व डॉक्टर धर्मवीर भारती, इन्होंने किन किन रचनाओं के या विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को योगदान उनका रहा है, इनका अल्प सा परिचय कृतियों का परिचय देखना भी अत्यंत जरूरी है। जैसे कि उनके जो उपन्यास है हिंदी साहित्य जगत के बीच, गुणाओं का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं हैं। सात दिन वर्ष, ठंडा लोबा, कनुप्रिया, ये इनके कविता संग्रह है जो कि कनुप्रिया को लेकर हमें इस रचना में देखना है। अब देखिए कि ये हुआ इनके काव्य जगत के बीच का योगदान। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली की आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह है, प्रसिद्ध ऐसे कहानी संग्रह है जो कि इसके माध्यम से साहित्य जगत को बाहरी योगदान रहा है। एकांकिका तथा काव्य नाटक को लेकर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी लेखक का योगदान रहा है। नदी प्यासी थी, ये इनकी एकांकिका है। आंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये इनके काव्य नाटक है। और इनका समीक्षा जगत के बीच भी बहुत ही अच्छा योगदान रहा है जो कि सिद्ध साहित्य साहित्यिक समीक्षा आलोचना जिसको कहा जाता है जो उन्होंने की है, जिसके इस लेख के ऊपर धर्मेंद्र भारती जी को पीएचडी ये उपाधि प्राप्त हुई, वह है सिद्ध साहित्य ये साहित्यिक समीक्षा का यानी लेख। एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य कहानी और कहानी पश्चंती, ये इनके निबंध संग्रह है। तो इसी तरह से विद्यार्थी मित्रों ले डॉक्टर धर्मवीर भारती के माध्यम से ये सारा योगदान जो हिंदी साहित्य जगत को रहा है बहुत ही मौलिक ऐसा माना जाता है। इसीलिए ये सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के एक कवि थे, निबंधकार थे, एक कहा जाए तो उपन्यासकार थे, एक सर्वश्रेष्ठ ऐसे कथाकार थे। ऐसा व्यक्तित्व, अनूठा व्यक्तित्व यहाँ धर्मवीर भारती जी का साहित्य जगत के बीच रहा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जिस रचना को लेकर हम विचार करने जा रहे हैं, विशेष अध्ययन हेतु रखा गया ये कविता या ये जो रचना है कनुप्रिया। अब देखिए कि इस कृति के बारे में सूक्ष्मता से देखना बहुत जरूरी है। धर्मवीर भारती जी की ये जो रचना है कनुप्रिया, हिंदी साहित्य जगत के बीच इसे खंड काव्य कहा जाता है, इसे महाकाव्य कहा जाता है, कोई यानी क्या इसे गीत काव्य कहा जाता है। कभी कभी सारी सोच विचार करने के बाद ना ये खंड काव्य है, ना महाकाव्य है, ना गीत काव्य है, ना गीत नाट्य है। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के मत मतांतर इस काव्य को लेकर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग समीक्षकों के मत मतांतर है। इसीलिए हमें इस कृति का जो सूक्ष्मता से परिचय करके लेने के बाद ही कनुप्रिया इस
कविता को हम समझ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। यानी जितनी ये आसान नजर आती है ये रचना, ये उतनी आसान नहीं है। इसलिए इस रचना के ऊपर जो भी जितनी भी बातें यहाँ दी गई हैं, उसे सूक्ष्मता से ही देखना अत्यंत जरूरी है। तो कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कि कनु ये जो है इसका अर्थ ये है कन्हैया श्री कृष्ण, और प्रिया कनुप्रिया अर्थात राधा, ये इस रूप में इसे यानी लेना हमें जरूरी है। कनुप्रिया यानी कनु यानी कृष्ण, प्रिया यानी राधा, इस के संदर्भ में इस शीर्षक को हमें अवगत करके लेना है। अब देखिए कि राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है कनुप्रिया कृति। हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार आज तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य है, उसे गीत काव्य कहे अथवा गीत नाट्य कहे। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह करना बहुत बड़ा बहुत ही कठिन बात है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कृति परिचय के बीच यानी जो बातें यहाँ बहुत ही साहित्यिक यानी भाषा के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है, लेकिन मैं आपको आपके भाषा में इसे समझा देता हूँ। तो ये जो कनुप्रिया है, इसका जो संदर्भ है महाभारत, इस महाकाव्य के साथ है, और महाभारत के अंतर्गत के श्री कृष्ण और राधा ये इस रचना के अंतर्गत के मौलिक दो पात्र है। अब इसका संदर्भ है महाभारत के साथ इसका संदर्भ रहा है, और इस रचना को इस काव्य को जो शीर्षक दिया गया है कनुप्रिया या कनुप्रिया, ये भारती जी की जो रचना है बहुत ही लंबी रचना है। कविताएं हम देख चुके हैं, कविताएं जैसे कि कहा जाता है चौपाई होती है, दोहा होता है, या कविताएं होती, कविता उसी को कहते हैं जिसके अंदर यानी अनेक पंक्तियां हो सकती है, दो भी पंक्तियां हो सकती है, दस भी पंक्तियां हो सकती है, उसको हम किसी विषय के ऊपर लिख यानी कोई कवि अपना विचार अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है उन पंक्तियों के माध्यम से, उसे हम कविता कहते हैं। लेकिन धर्मवीर भारती जी की ये जो कनुप्रिया नामक ये जो काव्य रचना है, इस रचना को लेकर हिंदी साहित्य जगत के बीच अलग अलग प्रकार के समीक्षा हो चुकी है। अनेक समीक्षकों ने इस कनुप्रिया भारती जी के इस कनुप्रिया काव्य रचना के ऊपर समीक्षात्मक ऐसी किताबें लिखी गई है, और इस कनुप्रिया को लेकर हिंदी साहित्य जगत के बीच अनेक साहित्यकार ये कहते हैं कि भारती जी की ये रचना मील का पत्थर सिद्ध हो चुकी है। मील का पत्थर यानी होना, ये एक मोहरा है, इसका अर्थ यह है कि प्रभाव होना। तो हिंदी साहित्य जगत के बीच का बीच ये जो कनुप्रिया ये जो काव्य रचना है धर्मवीर भारती की, ये साहित्य जगत के ऊपर प्रभावित रही है। अनेक समीक्षकों के यानी सामने एक प्रश्न रहा है कि आखिर ये महाकाव्य है या ये खंड काव्य है या ये गीति काव्य है या गीत नाट्य काव्य है, इसको लेकर अनेक प्रकार के मत मतांतर यहाँ
इस समीक्षणात्मक ऐसी किताबों के अंतर्गत आ चुके हैं और आज इस रचना को लेकर गुणप्रिय इस काव्य संग्रह को लेकर अनेक समीक्षकों ने चर्चा परिचर्चाएं की, लेकिन एक काव्य प्रकार भारती जी का ये जो गुणप्रिय नामक ये जो काव्य प्रकार है इस ये किसमें आता है ये अभी तक इन्हें निश्चित नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से किस यानी काव्य की शैली में जाता है ये कहना बहुत कठिन है। तो ये आपकी भाषा में यानी ये सारी बातें यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो इस काव्य संग्रह के ऊपर दर्वी और भारती जी का ये जो काव्य संग्रह गुणप्रिया इसका संदर्भ क्या है ये बात इन्हें आपके सामने हो चुकी है कि इसमें ये जो राधा है श्री कृष्ण की प्रिया राधा है उसकी जो मन है उस मन के अंतर्गत ये जो महाभारत है महाभारत के युद्ध में जब यानी श्री कृष्ण चले जाते हैं थोड़ा सा संदर्भ आपको समझ कर लेना बहुत जरूरी है कि महाभारत के इस युद्ध के भूमि की तरफ जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो बाल लीलाओं से लेकर ये जो श्री कृष्ण है गोपियों के बीच रहा करते थे राधा के पास रहा करते थे उस समय में राधा और श्री कृष्ण इनके बीच के प्रेम अवस्थाओं को अनेक कवियों ने चित्रित किया, लेकिन यहाँ इस युद्ध की तरफ चले जाने के बाद राधा की जो मानसिक अवस्था है राधा की जो मनस्थिति यानी मनस्थिति है वे क्या सोचती है उसकी भावनाएं क्या है ये सारी बातें इस गुणप्रिया इस काव्य रचना में उभर कर आई है और धर्मवीर भारती ने इस राधा के मनस्थिति को संवेदना को यहाँ प्रकट किया गया है इस कविता यानी काव्य रचना के माध्यम से। तो ये एक बात है जैसे कि हम कभी कभी कुछ उपेक्षित ऐसे पात्र होते हैं जैसे कि रामायण के अंतर्गत का एक उपेक्षित पात्र था जो कि लक्ष्मण की पत्नी और लक्ष्मण की पत्नी उसकी क्या व्यथा है उसकी क्या मानसिकता रही है अपने जो पति है अपने प्रभु रामचंद्र जी का साथ देने के लिए 14 सालों के लिए उनके संग साथ देने के लिए वे चले जाते हैं, लेकिन राजमहल में बैठी हुई लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला है उसकी व्यथा रामायण के अंतर्गत नहीं आई है, लेकिन उसकी मानसिकता का चित्रण भक्तिचरण गुप्त जी ने यानी साकेत में किया है। उसी के अनुसार थोड़ी बात समझ कर लेने की कोशिश कीजिएगा कि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने राधा की व्यथा राधा की मानसिकता राधा की भावना इस श्री कृष्ण के प्रति कनु के प्रति क्या रही है जब ये युद्ध भूमि पर चले जाते हैं तब यानी वो पूर्व यादें स्मरण को यानी एक स्मरण करती हुई राधा की मानसिक व्याकुलता क्या है इसको यहाँ गुणप्रिया के बीच यानी चित्रित यहाँ धर्मवीर भारती जी ने किया है। तो ये एक बात यहाँ निश्चित रूप से सामने आ जाती है साहित्य जगत के बीच अनेक प्रकार के इस काव्य को लेकर अलग अलग प्रकार की समीक्षा की गई है, लेकिन काव्य की कौन सी शैली है ये अभी तक साहित्य जगत के लोग निश्चित नहीं कर पाए हैं। ऐसी रचना गुणप्रिया है। तो उसके आगे और भी कुछ समीक्षा यहाँ इस रचना के ऊपर हो चुकी है। कुछ आलोचकों के अनुसार गुणप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो गुणप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्वबद्धता है परंतु गुणप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है।
प्रकृति चित्रण अवश्य है परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षिप्त में कहना हो तो कुलप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त करेंगे। तो इस कुलप्रिया इस काव्य रचना के ऊपर गर्वी और भारती के इस काव्य रचना के ऊपर तो कुछ समीक्षक कहते थे ये जो है कुलप्रिया ये महाकाव्य नहीं हो सकता। इसमें महाकाव्य के लक्षण विद्यमान है लेकिन उनका स्वरूप में नहीं, पूरी तरह से परिवर्तित है। इस अगर ये महाकाव्य नहीं हो सकता है कुछ समीक्षकों का कहना है। दूसरी बात कौन सी है कि इस कुलप्रिया के बीच यहाँ नायक के रूप में यहाँ नायक प्रधान नहीं है, यहाँ नायिका प्रधान है और इसकी जो सर्गबद्धता है ये आधुनिक मूल्यों की नई कविता हो जाने के कारण ये छंद निर्वाह के अप्रासंगिक अप्रासंगिक यानी ये यानी प्रश्न उपस्थित करते हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से ये महाकाव्य नहीं है। उपादान ऐसे शब्द का यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, उपादान का अर्थ हुआ है प्राप्त। तो यहाँ ये जो प्रकृति का चित्रण यहाँ जरूर हुआ है लेकिन इस काव्य के बीच ही पूरी तरह से प्रकृति का चित्रण हुआ है, स्वतंत्र रूप से हुआ है ये ऐसी बात नहीं है। तो एक प्राप्त उपादान के रूप में इन्हें इसका चित्रण हुआ है। तो इसके आगे जाकर और इस रचना को लेकर कुलप्रिया इस काव्य रचना को लेकर अलग अलग प्रकार के मत मतांतर है। कुछ आलोचकों के अनुसार कुलप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है, इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है अपितु राधा की मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कुलप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। चलो ठीक है, यानी क्या है एक महाकाव्य की बात है। दूसरे आलोचकों का यानी कुछ गलत आलोचकों का कहना है कि ये खंड काव्य भी नहीं हो सकता है कि अलग अलग यानी विषयों के ऊपर यानी यहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ है, ऐसी भी कोई बात यहाँ नहीं है। यहाँ प्रकृति का चित्रण उपादान के रूप में आ चुका है और यहाँ राधा की मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं और समय समय के अनुसार ये बदलते हुए व्यक्त हुए हैं। इसीलिए किसी भी यानी इसमें कि जीवन के किसी भी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, इसीलिए ये खंड काव्य नहीं हो सकता है। ये भी बात यानी कुछ आलोचकों की रही है। कुछ आलोचकों के अनुसार कुलप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगत का प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के बहावा कुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिपेक्ष में कुनु के कार्य व्यापार को देखती है लेकिन कुलप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कुलप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांधी उपस्थित करते हैं, अतः कुलप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ और यानी कुछ आलोचकों का यानी कहना है कि कुलप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं लेकिन ये जो बात है कि फिर इन्हें आलोचना होती है कि इस तत्व को वैयक्तिक
गुणप्रिया के बीच जो प्रधान नायिका है इस गुणप्रिया इस काव्य रचना के अंतर्गत, तो राधा के भावानुकूल ऐसे उद्गार भी यहाँ आ चुके हैं। और महादेवी वर्मा जो कि छायावादी काव्य परंपरा के आधार स्तंभों में से एक सर्वश्रेष्ठ कवित्री, इस गुणप्रिया इस काव्य रचना को लेकर बताती है कि प्रगीत यानी क्या है गेय मक्ता जो एक गीतों के अंतर्गत किसी कविता के अंतर्गत होती है, तो कोई गायक उसे अच्छी तरह से गाकर सुना सकता है। लेकिन बात यहाँ दिक्कत ऐसी है, महादेव वर्मा बताती है कि इस गुणप्रिया को एड़े अगर ये प्रगीत काव्य ऐसा अगर कहा जाए तो वो भी खूबी इसमें नजर नहीं आती, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रूप से राधा के भावानुकूल ऐसे उद्गार है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो कि गीत नाट्य भी इसे नहीं कहा जा सकता, गीत काव्य भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो बातें हैं इस गुणप्रिया काव्य शैली को लेकर हमारे सामने उभर कर आती है। तो अग्रिम इस रचना को लेकर अगर थोड़ा सा अगर विचार विमर्श किया जाए तो एक बात सामने आती है, गुणप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं गुणप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य के साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते, अतः उनके ओर से गुणप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। गुणप्रिया में बाहुल की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस कृति को लेकर हम देखने जा रहे हैं, इस कृति को लेकर हिंदी साहित्य जगत के बीच अलग अलग समीक्षकों के अलग अलग मत मतांतर रहे हैं, इसीलिए गुणप्रिया धर्मवीर भारती की ये जो रचना है वो चर्चित रचना है, कि कोई कहता है इसे महाकाव्य कहा जाए, कोई कहता है कि इसे खंड काव्य कहा जाए, कोई कहता है कि इसे नाट्य का गीत नाट्य कहा जाए, कोई यानी गीत काव्य कहा जाए, तो इसमें कोई भी बात निश्चित रूप से सामने नहीं आती है, अनेक प्रकार के मत मतांतर है। और दूसरी बात ऐसी है कि खुद जिसने इस रचना को सृजन किया निर्माण किया ऐसे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी इस गुणप्रिया के इस काव्य को लेकर कोई भी बात यदि नहीं कही गई है, कोई भी इनका व्यक्तिगत मंतव्य नहीं है कि किस कोटि में काव्य के किस कोटि में इसे रखा जाए, निश्चित रूप से कोई संकेत नहीं मिलता है। और इसके ऊपर यदि विवेचना अलग अलग प्रकार के विचार विमर्श हुए, लेकिन ये काव्य प्रकार यानी केवल ये संकेत करता है इसका गुणप्रिया ये जो काव्य प्रकार है धर्मवीर भारती का, तो राधा के इस विचलित मन की भावनाओं को प्रकट करता है। राधा के मन में जैसी धाराएं बहती हैं, जैसे कि मीरा ये जो है श्री कृष्ण की परम भक्त थी, और मीरा के मन में जैसे भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, वातावरणों में परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार अपने प्रिय के प्रति अलग अलग प्रकार की भावनाएं जाग उठती थी। और यही बातें संत मीराबाई पदम के माध्यम से गाती थी, और संत मीराबाई के श्री कृष्ण के प्रति के अलग अलग प्रकार के पद जो है ये बहुत ही हिंदी साहित्य जगत में चर्चित है और सभी लोग इन्हें क्या है जानते हैं। लेकिन संत मीराबाई की जो पद है इसमें गेयात्मकता है, जो कि अलग अलग ऐसे गीत का गायकों ने इनके पदों को बहुत ही खूबी के साथ गाया है और आज सामान्य लोग भी इसे गुनगुनाते हैं। ऐसी खूबी इस गुणप्रिया के इस काव्य की नहीं है। तो ये एक बढ़ती भी बदलती भी धारा है, उसके मन में जो विचार आते हैं जो कि स्मरण होता है श्री कृष्ण के साथ साथ, जब इन्हें क्या है नदियों के किनारे किसी आम के पेड़ के नीचे या किसी इन वृक्ष के नीचे हम कैसे बैठे थे, क्या हुए, किस तरह से हुआ और आज क्या हो गया है,
युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण जब चलेंगे तो ये सारे सब स्मरण है और स्मरण के कारण हमें उत्पन्न हुई भावनाओं को यहाँ अभिव्यक्त हो चुका है और इसकी एक कड़ी यानी कुणुप्रिया ये काव्य शैली है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक यानी हम इस कृति के परिचय को देख चुके हैं और बाहर यानी इस रचना के पहले भाग में यहाँ तक ही देखेंगे और इसके इस रचना को लेकर जब हम आगे देखेंगे तो इस रचना की कृति की भी एक पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि के ऊपर भी हमें विचार विमर्श करके इस अध्ययनात्तर के भी काव्य पंक्तियों को लेकर भाग दूसरे में हम देखेंगे। धन्यवाद।